प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें कपालभाति का अभ्यास प्रति व्यक्ति को जो स्वस्थ हैं उनको कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। और ये आपके अंदर कोई बीमारी है तो बीमारी के हिसाब से इसके डोज को बढ़ाते जाते हैं, अलग अलग बीमारियों में इसकी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को भी इसको करते हैं खाली पेट में। उसके लिए आपको रसाहार फलाहार होना पड़ता है, क्योंकि बीमारी बड़ी है और अभ्यास आपको ज़्यादा करना होता है, इसलिए उसमें अन्न की मात्रा को कम करके रस और फल की मात्रा को बढ़ाते हैं लगातार। बहुत सुंदर अभ्यास, कपालभाति यानी 1 सेकंड में सांस को बाहर फेंकना, और अभ्यास करते समय आपका पेट अर्थात नाभि प्रदेश, नाभि का इलाका अपने आप अंदर की ओर संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। बहुत बढ़िया अभ्यास कपालभाति का करिए। पीठ को सीधा रखिए, मन में श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, भक्ति प्रबल हो, अब बीमारी धीरे धीरे दूर होकर जैसे बर्तन में जूठा लग जाता है और बर्तन को धीरे धीरे बढ़िया से मांझ देते हैं तो बर्तन चमकने लगता है, कोई दाग धब्बा नहीं रहता है उसमें, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी बर्तन में यदि कोई बीमारी है आपको तो प्राणायाम रूपी, कपालभाति रूपी साबुन से, सर्फ से उसको धीरे धीरे मलना, सिर को मांझना है। जैसे कोई बर्तन मांझता है कोई व्यक्ति, ध्यान इधर उधर भटक जाए तो पता चलेगा कि बर्तन में जूठन लगा रह गया, खाते समय खाने वाले को दिखाई पड़ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया अभ्यास, पीठ सीधा करिए। हाँ, कपालभाति का अभ्यास बहुत सुंदर अभ्यास। यदि कपालभाति का अभ्यास करते करते आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे और कोई बीमारी आपको लगे कि नहीं रह गई शरीर में, तो इसको मध्यम गति से और तीव्र गति से भी कर सकते हैं आप। यानी 1 सेकंड में आप 2 बार या 3 बार भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये महसूस करना होगा कि हमारे शरीर में कोई रोग व्याधि अब नहीं बचा है, तभी जा कर के तीव्र गति का अभ्यास आप कर सकते हैं। लगातार करते रहे कपालभाति, बहुत सुंदर अभ्यास। बीमारी के तौर पर लें तो ये हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को ये रीजेनरेट कर रहा है कपालभाति, ये मरने से उसे बचा रहा है, जो मृत प्राय हो रहे हैं, जो डीजेनरेट हो रहा है सेल्स उसको रीजेनरेट कर रहा है। उत्तकों को भी, यह टिश्यूज को भी यह रीजेनरेट कर रहा है। बहुत सुंदर कपालभाति अभ्यास है, इसकी महिमा इतनी बड़ी है। लगातार करिए इसे, धीरे धीरे आप आधा आधा घंटा भी कर सकते हैं। यदि किडनी को कैंसर की समस्या है, किन्हीं को, माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी समस्या है, मोटापे की समस्या है, शरीर में कहीं भी सिस्ट हो गया हो, गांठ हो गया हो, उसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है, उसके लिए कपालभाति परम औषध है। आप शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए, गिल्टी हो जाए, उसे आप गला सकते हैं कपालभाति के द्वारा। शरीर कहीं भी अलग मोटा हुआ है, फैट जमा हुआ है, कपालभाति बहुत सुंदर अभ्यास। प्राणों की आराधना करते हुए करिए, हे प्राणदेव, हे प्राण शक्ति, हे प्राणेश्वर, आप कितने महान हो कि हम सो भी जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं तो हमारे जीवन की डोर आप संभाले रहते हो। प्राणदेव, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम तो बेहोश पड़े हैं, हम तो सोए हुए हैं। लगातार कपालभाति करिए, कपालभाति। बहुत सुंदर अभ्यास,